venom. No pain. Succumbing. In the spider's web. In the spider's web. ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है मकड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी में कुछ अमेरिकन दोस्त अपने गाइड के साथ भारत के जंगलों में जाते हैं। उनमें से एक को एक जहरीली मकड़ी काट लेती है। वहाँ जंगल में रहने वाले लोगों के साथ एक अमेरिकी डॉक्टर भी रहता है। तो ये सारे लोग उस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर उस लड़की का इलाज करता है और उन सारे दोस्तों को वहाँ पे रुकने के लिए बोलता है। उनमें से दो लोग वहाँ पे एक मंदिर होता है उसे देखने के लिए जाते हैं और बाकी लोग मेन सिटी में जाते हैं ताकि उनको मदद मिल सके। उस जंगल में जो ये अमेरिकी डॉक्टर रह रहा है उसके बारे में एक मिस्ट्री है जो आपको ये मूवी देखने के बाद ही मालूम पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छी एडवेंचरस मूवी है। इस मूवी में इंडियन कल्चर के बारे में भी दिखाया गया है और बहुत सारे इंडियन लोगों को भी दिखाया गया है। इस मूवी में दो पुलिस वालों को भी दिखाया गया है जिनमें से एक का नाम चौधरी होता है और दूसरे का गोडबोले। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर हमें सरस्वती जी, गणपति जी और साईं बाबा जी का पोस्टर भी दिखता है। तो इस मूवी की मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि इन्होंने जितना हो सके उतना डिटेल दिखाने का प्रयास किया है। अगर इस मूवी की बात करें तो पहले 5 मिनट कुछ खास नहीं है, लेकिन बाद में ये मूवी अचानक से अच्छी लगने लगती है। फर्स्ट हाफ में ये मूवी हमें काफ़ी एडवेंचरस लगती है और देखने में भी मज़ा आता है। मूवी का सेकंड हाफ एवरेज है और कुछ कुछ जगह पे विजुअल इफ़ेक्ट्स बिलो एवरेज लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस मूवी में असली मकड़ियाँ भी दिखाई गई है। परफॉर्मेंसेस सबके बढ़िया है और डायरेक्शन भी मुझे पसंद आया। इसमें आपको बड़ी मकड़ियाँ तो देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन छोटी मकड़ियाँ काफ़ी सारी है। मूवी का स्क्रीन प्ले और सिनेमाटोग्राफी भी अच्छी है, लेकिन दोस्तों सेकंड हाफ में ये मूवी एवरेज हो जाती है और कुछ कुछ जगह पे विजुअल इफेक्ट्स भी फेक लगते हैं। फिर भी अगर आपको एडवेंचरस मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि अगर इनके पास अच्छा खासा बजट होता और अगर स्टोरी पे थोड़ा काम कर लेते तो ये एक बेहतरीन मूवी बन सकती थी। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक अच्छी मूवी है। इसकी हिंदी डबिंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो हिंदी में देख सकते हो। मैं इस मूवी को दूंगा 2.5 out of 5। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।